हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको विश्वनाथन आनंद जी की एक और बेहतरीन गेम दिखाने वाला हूं, जिसमें उन्होंने काफ़ी क्रेजी अटैक किया था। ये गेम उन्होंने 2013 में हैमर जोन लुडविक के सामने खेली थी, जहाँ पर आनंद जी के व्हाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत d4 से की। एंड नाउ नाइट f6, c4, g6, Nc3 एंड नाउ d5। सो दोस्तों, ये है ग्रुनफेल्ड डिफेंस, जहाँ पे आनंद जी ने मेन लाइन यानी कि एक्सचेंज वेरिएशन खेला, पॉन कैप्चर्स ऑन d5, नाइट कैप्चर्स ऑन d5। और इस पोजीशन में मेन मूव है पॉन टू e4, वेयर नाइट कैप्चर्स ऑन c3, पॉन कैप्चर्स ऑन c3। और उसके बाद यूजुअली ब्लैक जो है बिशप g7, c5 एंड नाइट c6 जैसी मूव खेल के जो व्हाइट का पॉन सेंटर है उस पर काफ़ी बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है। बट इस पोजीशन में सी कैप्चर्स ऑन d5 एंड नाइट कैप्चर्स ऑन d5 के बाद आनंद जी ने पहले बिशप d2 खेला। सो ये थोड़ी डिफरेंट मूव है, वो मेन लाइन में नहीं गई यहाँ से। एंड नाउ बिशप g7 एंड नाउ e4। सो अब नाइट कैप्चर्स ऑन c3 एंड देन बिशप कैप्चर्स ऑन c3। सो अब देखिए, c3 पे पॉन नहीं है, सो d4 पे जो है इतना बड़ा प्रेशर इमिडिएटली नहीं आ सकता है। यहाँ पे कैसल एंड नाउ क्वीन d2, c5, d5। सो बिशप एक्सचेंजेस ऑफर किए। सो आइडिया ये है दोस्तों कि एक बार फियांचटो बिशप जो होता है वो उसमें से फियांचटो बिशप निकल जाए, देन किंग जो है काफ़ी वीक हो जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे f6 पे नाइट भी अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे आनंद जी के पास जो है अटैक के लिए काफ़ी अच्छे चांसेस बन सकते हैं। सो बिशप कैप्चर्स ऑन c3, बी कैप्चर्स ऑन c3 एंड नाउ जस्ट e6। सो सेंटर जो है उसको ओपन कर रहे हैं, क्योंकि आनंद जी का किंग जो है वो सेंटर में ही है। इस पोजीशन में आनंद जी ने d6 खेला। सो उनका आइडिया ये है दोस्तों कि एक जो है पास पोन बन चुका है, उसको आगे चल के e5 खेल के जो है वो प्रोटेक्टेड पास पोन भी बना सकते हैं। सो e5, सो ये आइडिया ये है दोस्तों कि वाइट जो है वो e5 ना खेल पाए, और अब ये पोन जो है d6 पे वो वीक रहेगा और उसको ब्लैक जो है आगे चल के विन कर सकता है। यहाँ पर आनंद जी ने खेला h4, और दोस्तों एक काफ़ी टिपिकल आइडिया है, जब फियांचटो पोन स्ट्रक्चर होता है उसमें आप जो है h4 एंड h5 के लिए जाओ, एंड देन आप जो है h5 अपने रुक के लिए ओपन करो। यहाँ पे h5 अगर नहीं है देन वाइट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो कई केस में वाइट जो है सिंपली इस h5 के पोन को सेक्रीफाइस करता है। यहाँ पर ब्लैक ने बिशप e6 खेला एंड नाउ नाइट h3। सो आनंद जी ने देखिए यहाँ पे h4 वाला पोन जो है उसको सेक्रीफाइस कर दिया, और यहाँ पे उनका आइडिया ये है कि वो जो है नाइट g5 एंड अब h5 के लिए जाना चाहते हैं, अगर ब्लैक जो है यहाँ पे h4 पे पोन कैप्चर नहीं करता है। इस पोजीशन में शायद ब्लैक के लिए बेटर ये था कि वो f6 करके खेलता, बट नाइट h3 के बाद ब्लैक ने जो है वो पोन एक्सेप्ट किया एंड था वो क्वीन कैप्चर्स ऑन h4, और अब आनंद जी ने लॉन्ग कैसल किया। सो देखिए, फर्स्ट ग्लांस ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किस साइड कैसल किया, उस साइड जो है लाइंस काफ़ी ओपन है, और दूसरी ओर क्वीन जो है वो सिंपली e4 को कैप्चर कर सकती है। सो ये दूसरा पोन सेक है, और उसके बाद क्वीन a4 पे आएगी, और यहाँ पे a2 पे भी जो है बिशप ऑलरेडी अटैक कर रहा है। सो ये किस तरह की मूव आनंद जी ने खेली। अब दोस्तों यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट काउंटर प्ले। यहाँ पे वाइट के पास जो है h5 पे काफ़ी बड़ा काउंटर प्ले है। इस पोजीशन में क्वीन कैप्चर्स ऑन e4 हैमर ने खेला एंड नाउ बिशप d3। सो देखिए, आनंद जी ने अपना बिशप भी जो है विथ टेम्पो निकाल लिया है। सो अब पॉइंट ये है कि ब्लैक के दो पीस जो है अभी भी सो रहे हैं, और दूसरी ओर वाइट के सारे पीसेस जो है वो बाहर निकल गए हैं। नाउ क्वीन a4, a2 पोन जो है वो अंडर अटैक है, और a2 पोन पे ऑलरेडी दो अटैक है। सो यहाँ पे दोस्तों उसको सेव करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। इस पोजीशन में आनंद जी ने नाइट g5 खेला। सो दोस्तों अभी h7 पोन पे अटैक है, एंड से आप यहाँ पे h5 क्लोज करते हो विथ h5, बट देन दोस्तों नाइट कैप्चर्स e6 जो है वो यहाँ पे जस्ट विनिंग है। अब ब्लैक का किंग जो है वो भी काफ़ी वीक हो जाएगा पोन कैप्चर्स ऑन e6, एंड आनंद जी चाहे तो यहाँ पे बिशप कैप्चर्स ऑन g6 करके खेल सकते हैं, बट वो पहले जो है शायद g3 खेलते हैं, क्योंकि अब जो है क्वीन टू f4 नहीं आता, और क्वीन एक्सचेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो भी निकल गई। एंड देन अब बिशप कैप्चर्स ऑन g6, उसके बाद रुक कैप्चर्स ऑन h5 और इवन क्वीन g5 जो है, ये सारी मूव काफ़ी डेंजरस है। सो इसीलिए नाइट g5 के बाद एक्चुअली ब्लैक ने h5 नहीं खेला, और उन्होंने खेला क्वीन कैप्चर्स ऑन a2। बट आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है अगर हम बिशप कैप्चर्स ऑन a2 खेलते हैं, देन हम जो है क्वीन a3 खेलेंगे, जिसमें जो है ये क्वीन एक्सचेंज भी हो सकती है, क्योंकि अब क्वीन a3 में क्वीन ही बीच में डालना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर हम जो है वो नाइट कैप्चर्स ऑन h7 खेल सकते हैं, और अब से क्वीन टू a3, बट देन देखिए क्वीन b2, और अब क्वीन कैप्चर्स b2 फोर्स, क्योंकि आपका यहाँ पर रुक भी हैंगिंग है। एंड नाउ किंग कैप्चर्स b2, और अब देखिए बिशप या तो रुक, दोनों में से एक चीज़ जा रही है, बिशप जो है वो टोटली फ्री जा रहा है। सो से आप अगर यहाँ पे ऐसे ही ट्राई करते हो कि मैं सिर्फ एक्सचेंज ही दूंगा एंड बिशप e6 खेलते हो, बट देन नाइट कैप्चर्स ऑन f8, किंग कैप्चर्स ऑन f8 और बिशप टू जस्ट e4 के बाद
पोजीशन जो है वो वाइट के लिए कम्प्लीटली विनिंग है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बी सेवन जा रहा है और उसको सेव करने के लिए से आप नाइट सी सिक्स खेलते हो, बट देन रुक जो है एच एट पर आएगा एंड देन आपका रुक ए एट पर है वो चला जाएगा। सो ये पोजीशन जो है दोस्तों वो वाइट के लिए कम्प्लीटली विनिंग है। सो इसीलिए नाइट जी फाइव के बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन ए टू खेला गया एंड नाउ क्वीन टू ई थ्री, आनंद जी ने जो है यहाँ पर क्वीन एक्सचेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए। नाउ क्वीन ए थ्री चेक, किंग डी टू, नाउ क्वीन बी टू चेक। और दोस्तों इस पोजीशन में अगर आप किंग ईवन जाते हो देन क्वीन कैप्चर सी थ्री विथ चेक आ रहा है, उसके बाद किंग एफ वन एंड ब्लैक की क्वीन जो है डी फोर पर आ सकती है। सो वहाँ पर आनंद जी जो है वो चार पॉइंट लॉस हो जाते हैं। सो यहाँ पर आनंद जी ने पहले बिशप सी टू खेला, सो अब बिशप टू जस एफ फाइव, सो दोस्तों अब थ्रेट है क्वीन कैप्चर्स ऑन जस सी टू की। और यहाँ पर आनंद जी अगर रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं तो उनके लिए एक मूव है नाइट कैप्चर्स ऑन एच सेवन, जो कि उन्होंने खुद एनालिसिस की है। नाइट कैप्चर एच सेवन में जो है परपेचुअल में गेम ड्रॉ हो रही है दोस्तों। यहाँ पे अभी थ्रेट हो सकती है क्वीन एच सिक्स और उसके बाद नाइट टू एफ सिक्स की। सो यहाँ पे अगर आप क्वीन कैप्चर सी टू चेक देते हो देन किंग टू ईवन के बाद कोई दूसरे चेक ही नहीं है और उसके बाद जो है क्वीन टू एच सिक्स जो है वो जस्ट यहाँ पर विनिंग है। सो नाइट कैप्चर्स ऑन एच सेवन के बाद एक्चुअली ब्लैक को अगर ड्रॉ करना है तो उसको बिशप कैप्चर्स ऑन सी टू खेलना पड़ेगा, जिस केस में क्या होगा दोस्तों क्वीन एच सिक्स एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन डी वन, किंग कैप्चर्स ऑन डी वन और अब क्वीन बी वन, किंग डी टू और इस तरह से सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। क्योंकि अगर आप जो है थर्ड रैंक में जाते हो तो शायद वहाँ पे जो है सी थ्री पोन मार के भी चेक आ सकता है या फिर ब्लैक की क्वीन जो है वो चेक देके कुछ डिफेंस में पहुँच सकती है। सो यहाँ पर जो है गेम परपेचुअल में ड्रॉ हो जाएगी। बट बिशप एफ फाइव के बाद आनंद जी ने रिस्क लिया, उन्होंने खेला रुक सी वन क्योंकि वो यहाँ पर जो है वो विन करना चाहते हैं एंड नाउ रुक टू डी एट, जबकि रुक सी वन के बाद बेस्ट मूव ये है कि ब्लैक अपने डेवलपमेंट पे फोकस करे और नाइट सी सिक्स खेले। बट दोस्तों यहाँ पे रुक डी एट जो है काफ़ी नेचुरल लग रहा है क्योंकि नाइट कैप्चर एच सेवन के बाद रुक पे जो अटैक है वो चला गया है, नाउ थ्रेट है सिंपली रुक कैप्चर ऑन डी सिक्स की। बट दोस्तों अब इस पोजिशन में वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए आनंद जी ने क्या खेला होगा। यहाँ से आनंद जी का जो है अटैक शुरू हो गया, उन्होंने पहले खेला नाइट कैप्चर ऑन एफ सेवन। देखिए वो तीन पोन जो है वो तो डाउन थे ही, बट अब जो है अपना नाइट भी उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया और यहाँ पे ये सेक्रीफाइस लेना ही पड़ेगा क्योंकि आप नहीं लेते हो देन मेरा डी सिक्स पोन वैसे भी सेव है और मैं क्वीन कैप्चर्स ऑन ई फाइव खेलूँगा, देन आपको जो है वो सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो किंग कैप्चर्स ऑन एफ सेवन एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन ई फाइव, सो डी सिक्स पोन सेव है, तब तक रुक कैप्चर डी सिक्स जो है वो आएगा देन हम क्वीन से कैप्चर कर सकते हैं। और दूसरी ओर अब हमारी थ्रेट है दोस्तों सिंपली रुक कैप्चर ऑन एच सेवन की, सो ये काफ़ी डेडली थ्रेट है। और इस पोजीशन में से आप किंग जी एट जाते हो देन गेम ओवर हो जाएगी, यहाँ पे आनंद जी खेल सकते हैं क्वीन डी फाइव चेक एंड नाउ किंग जी सेवन, बट रुक कैप्चर्स ऑन एच सेवन चेक, किंग कैप्चर्स ऑन एच सेवन एंड रुक एच वन चेक, किंग जी सेवन एंड देखिए क्वीन ई फाइव के बाद यहाँ पे गेम जो है वो सेव ही नहीं हो सकती क्योंकि अब जो है रुक एच एट एंड क्वीन ई सेवन दोनों आ रहे हैं। सो ये पोजीशन जो है वो वाइट के लिए कम्प्लीटली विनिंग है। सो इसीलिए क्वीन कैप्चर्स ऑन ई फाइव के बाद यहाँ पे हैमर के लिए एक लौती मूव थी कि वो अपना रुक जो है दे दे। सो रुक कैप्चर्स ऑन डी सिक्स, क्वीन कैप्चर्स ऑन डी सिक्स और यहाँ पे देखा जाए तो ब्लैक जो है वो एक्सचेंज डाउन है, बट ब्लैक के पास उस एक्सचेंज के बदले में नाइट एंड दो पोन भी है। यहाँ पे हैमर ने खेला नाइट सी सिक्स, सो इमीडिएट थ्रेट है दोस्तों सिंपली रुक डी एट की। और अगर आप क्वीन यहाँ से हटा भी लेते हो देन ऑल्सो रुक डी एट जो है वो काफ़ी डेडली है क्योंकि आपका बिशप जो है वहाँ पर फॉल कर जाएगा क्योंकि किंग का प्रोटेक्शन जो है वो बिशप से हट जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर आनंद जी ने पहले खेला रुक कैप्चर्स ऑन एच सेवन, किंग जी एट और अब नेक्स्ट मूव जो आई वो शायद जो है हैमर के लिए अपनी सोच से बाहर थी क्योंकि यहाँ पे आनंद जी ने खेला रुक डी सेवन, बेहतरीन मूव। और दोस्तों इस पोजीशन में आप मानिए कि बिशप कैप्चर्स डी सेवन जो है पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज क्वीन कैप्चर्स ऑन जी सिक्स चेक, किंग एफ एट, क्वीन एफ सिक्स चेक, किंग जी एट एंड नाउ रुक एच वन के बाद गेम जस्ट फिनिश हो रही है क्योंकि मेरी थ्रेट है अब सिंपली रुक एच एट चेकमेट की। सो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो बिशप एच थ्री, पहले तो अपना बिशप दे दो देन रुक जो है उससे किंग पे अटैक करो, बट देन किंग ई थ्री, सो आपके पास टाइम नहीं है बिशप को कैप्चर करना, अदरवाइज रुक एच एट आ रहा है सो से रुक ई एट, बट देन अब जो है वो किंग एफ फोर भी पॉसिबल है। और अगर आप मेरे क्वीन को पिन करते हो बट देन बिशप एच सेवन जो है वो जस्ट चेकमेट है, सो है कि नहीं दोस्तों ये बेहतरीन लाइन। सो इसलिए रुक डी सेवन जो है वो काफ़ी डेंजरस एंड काफ़ी अच्छी मूव है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट मूव में जो है मैं क्वीन एफ सिक्स जा सकता हूँ एंड देन जी सेवन पे चेकमेट की थ्रेट दे सकता हूँ। इस पोजीशन में रुक ई एट खेला गया और अब आनंद जी ने खेला क्वीन एफ सिक्स, सो थ्रेट है दोस्तों क्वीन जी सेवन चेकमेट की एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन डी सेवन फोर्स, बट नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन जी सिक्स चेक, किंग एफ एट
एंड नाउ क्वीन एफ सिक्स चेक, किंग जी एट एंड नाउ रुक टू एच वन। और दोस्तों यहाँ पे अब जो है इस मेट को सेव करना जो है काफ़ी मुश्किल है, और इस पोजीशन में ब्लैक ने जो है अपनी मेट तो सेव की, बट उसके लिए उसको जो है काफ़ी मटेरियल देना पड़ेगा। उसने पहले खेला रुक टू जस्ट ई टू चेक, किंग कैप्चर्स ऑन ई टू। और अब देखिए अगर आप बिशप जो है विथ चेक कैप्चर करते हो, बट देन किंग ई थ्री के बाद कोई दूसरा चेक ही नहीं है, और बाद में जो है आप रुक एच एट को स्टॉप नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपके लिए अब नाइट डी फोर चेक देना फोर्स, पोन कैप्चर्स ऑन डी फोर। और अब जो है आप यहाँ पे बिशप विथ चेक कैप्चर कर सकते हो और अपनी चेकमेट जो है वो तो सेव कर सकते हो। बट दोस्तों अब प्रॉब्लम ये है इस चेकमेट को सेव करने के बाद कि आप खुद देख लो कि यहाँ पे रुक के बदले में सिर्फ बिशप है और पोन भी जो है वो इक्वल हो चुके हैं। सो आनंद जी की पोजीशन जो है ऑलरेडी विनिंग हो चुकी है। यहाँ पे किंग ई थ्री खेला गया एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स, सॉरी क्वीन टू सी थ्री चेक एंड नाउ किंग एफ फोर, क्वीन कैप्चर्स ऑन डी फोर चेक, क्वीन कैप्चर्स ऑन डी फोर, पोन कैप्चर्स ऑन डी फोर। सो एक एक्स्ट्रा पोन है, बट अब किंग ई फोर के बाद वो पोन भी जा रहा है और ये पोजीशन है दोस्तों कम्प्लीटली विश्वनाथन आनंद जी के विनिंग है। आप जो है बिशप सी सिक्स एंड बिशप कैप्चर जी टू भी नहीं खेल सकते, क्योंकि बिशप सी सिक्स में किंग कैप्चर्स ऑन डी फोर और बिशप कैप्चर जी टू के बाद रुक जी वन में बिशप चला जाएगा। सो यहाँ पे ए फाइव खेला गया नाउ किंग कैप्चर्स ऑन डी फोर। और दोस्तों अब गेम में जो है सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही बची है। सो यहाँ पे गेम जो है कुछ मूव्स इस तरह से कंटिन्यू हुई, ए फोर किंग सी थ्री बी फाइव किंग बी फोर नाउ किंग एफ सेवन रुक एच सेवन चेक, किंग टू जस ई सिक्स जी फोर बिशप ई एट एफ फोर। आनंद जी जो है अपने सिंपली पोन आगे बढ़ाते गए एंड नाउ रुक एच सिक्स किंग जी सेवन जी फाइव बिशप जी सिक्स एंड नाउ रुक एच थ्री बिशप एफ फाइव एंड रुक ई थ्री के बाद इस पोजीशन में फाइनली जो ब्लैक है उसने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि अब आप जो है अपना इस पोन को भी सेव नहीं कर सकते, क्योंकि से आप यहाँ पे बिशप चलते हो बट देन रुक ई सेवन में आपका बिशप जा रहा है। सो फाइनली ब्लैक ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसा लगा आपको विश्वनाथन आनंद जी का एक क्रेजी अटैक? आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।